हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो जो पहली प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले उसको समझाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पहली प्रॉब्लम है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब्ड एज ux बराबर a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो किसी समय पर पोटेंशियल एनर्जी बता रखी है कि किसी समय पर दो एटम्स हैं, उन दोनों एटमों के बीच का सेपरेशन x है और उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन है वो है ux बराबर a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6, जहां x सेपरेशन को इंक्लूड कर रहा है दोनों के बीच का, a और b कॉन्स्टेंट्स है। पहले क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ux इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो हम क्या करें, ये ux हमें गिवेन है, ux को 0 कर दें तो ux बराबर 0, तो a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6 0 होगा। इसका मतलब x की पावर 6 बराबर a अपॉन b जब हम रख देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर ux बराबर 0 एट, तो दो टू पॉइंट्स हो गए, जब हम x को इन्फिनिटी कर देंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और अगर x को a अपॉन b की पावर 1 अपॉन 6 कर देंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। There will be two points at which the potential energy would become zero, that is x बराबर a upon b की power 1 upon 6 and another point is x बराबर infinity. So this is the first solution. और ये हम देखें यहाँ पे कि ux में और x में एक कर्व खींचा हुआ है, ये ux है इधर की तरफ और ये हमारा x है। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर a upon b की power 1 upon 6 या x की power 6 बराबर a upon b पे ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। उसके बाद सेकंड में पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू एक्स टू बी मिनिमम। तो अब दोबारा में ये पूछ रहा है कि हमें ये पता करना है कि किस पॉइंट एक्स के ऊपर यू एक्स की वैल्यू मिनिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमा की हम कंडीशंस लगा देते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स को 0 कर दें तो डी अपॉन डी एक्स ये टर्म रख लें यू की वैल्यू, ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें पहले तो ये आ जाएगा माइनस 12 ए अपॉन एक्स की पावर 13, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें ये आ जाएगा हमारा माइनस चिन्ह ऑलरेडी है प्लस 6b अपॉन x की पावर 7 बराबर 0, इसको सॉल्व कर लें तो ये x की पावर 6 बराबर 2a अपॉन b पे ये वैल्यू ओवरऑल सम जोड़ के 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2a अपॉन b की पावर 1 अपॉन 6, ये जो पॉइंट होगा उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हम कर्व देखें, ये हमने कर्व खींच रखा है, x बराबर a अपॉन b की पावर 1 अपॉन 6 पे ये 0 हो गया और ये x बराबर 2a अपॉन b की 2a upon b 1 upon 6 के ऊपर ये वैल्यू मिनिमम हो गई। दिस वन ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा x बराबर 2a upon b और इसकी पावर 1/6। उसके अलावा हम u की मिनिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमने x कैलकुलेट कर लिया दिस वन, उसके बाद u मिनिमम के लिए हम क्या करें, इसमें x की जो वैल्यू है x की पावर 6 को 2a upon b रख दें इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, तो यू एक्स मिनिमम आ जाएगा ए अपॉन, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a अपॉन बी, तो ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की जो गिविन यू एक्स है उसके लिए ये होगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये हमने यहाँ पे देखी ये वैल्यू, यहाँ यू एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a आ रही है, यू एक्स इधर पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ और यहाँ नेगेटिव होगा इधर की तरफ। तो ये हमारे पास ux की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब अगर हमसे पूछता है फोर्स कैलकुलेट कीजिए बिटवीन टू एटम्स, तो fx की वैल्यू होती है माइनस du / dx, क्योंकि फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडिएंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका ये du / dx की वैल्यू थी तो माइनस du / dx करेंगे तो 12 / x की पावर 13 माइनस 6b / x की पावर 7 आ जाएगा, और जब हम fx को 0 करेंगे तो ये x बराबर 2a upon b 1 upon 6 जो ये पूरे की पावर है इसकी 1/6 पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फोर्स का कर्व दिखा रखा है, पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे पहले x की वैल्यू कम के ऊपर ये ज़्यादा होगी और जैसे जैसे x बढ़ता चला जाएगा ये वैल्यू कम होती जाएगी। x बराबर a upon b की पावर 1/6 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद जब ये x बराबर a upon b की पावर 1/6 और x बराबर 2a upon b की पावर 1/6 के बीच में जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जाएगी, ये नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू जो है किसी समय पे मिनिमम हो जाएगी
उसके बाद जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अभी भी नेगेटिव बनी हुई है। और जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ पे जब यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये एसिम्प्टोटिक कर्व बनाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये हमने यहाँ दिखा रखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स पहले यहाँ किसी समय पर रिपल्सिव नेचर का होगा, और यहाँ पे जो फोर्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स को शो करेगा। तो यहाँ पे जब एक्स बराबर जीरो और टू ए अपॉन बी की पावर वन अपॉन सिक्स के बीच में एक्स की वैल्यू होगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस बिंदु तक, तो ये वैल्यू जो है फोर्स पॉजिटिव होगा। इस जब इस पॉइंट को जीरो से और यहाँ तक कोई भी हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पुट करेंगे फोर्स के रिलेशन में, ये फोर्स का रिलेशन हमारा ये है, तो ये फोर्स की वैल्यू किसी समय पॉजिटिव देगा जब इस रेंजन में होगा, तो फोर्स किसी समय पर रिपल्सन को शो करेगा। तो ये रीजन जो है वो रिपल्सन को शो कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये रीजन है टू ए अपॉन बी वन अपॉन सिक्स, ये जो वैल्यू है टू ए अपॉन बी की पावर वन बटे सिक्स और इन्फिनिटी तक, ये फोर्स नेगेटिव है। तो यहाँ देखें ये जो फोर्स है नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन बना रहेगा। तो ये इसमें हमें फोर्स की वैल्यू किसी समय पर, पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, कितनी वैल्यू होगी मिनिमम, या यू एक्स कहाँ जीरो होगा, इनकी कर्व ट्रेसिंग क्या होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। डिसोसिएशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी एक्स बराबर इन्फिनिटी पे, और पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम जिस वैल्यू होती है किसी समय पर वो डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है, इन दोनों का अंतर। तो यू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर जब हम यहाँ से देखेंगे तो एक्स इन्फिनिटी पर यू जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये वैल्यू हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, ये वैल्यू थी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, और माइनस एक यहाँ से आ जाएगा, तो डिसोसिएशन एनर्जी इसकी होगी बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। और जो हमने यहाँ पे कर्व दिखा रखा उसमें हम देखेंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने में किसी समय पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पार्टिकल को, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पे एक्स बराबर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, एक्स बराबर टू एक्स इक्वल टू टू ए अपॉन बी की पावर वन अपॉन सिक्स पर वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इनका अंतर कर दें, ये डिसोसिएशन एनर्जी की डेफिनेशन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे यू एक्स चेंज करता रहता है, पॉइंट बदलता रहता है और पूछता रहता है ये सारी सब चीज़ें, मैंने कर्व ट्रेसिंग के साथ ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है ये। उसके अलावा ये प्रॉब्लम नंबर टू में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक फोर्स दे रखा है एफ बराबर टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में है इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस टू एक्स जेड के कैप, सो डेट फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले कह रहा है कि फोर्स को कंजर्वेटिव शो कीजिए, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स वन बराबर जीरो वाई वन बराबर वन जेड वन बराबर टू से, ये पॉइंट ए है, टू एक्स टू बराबर फाइव वाई टू बराबर सिक्स एंड जेड टू बराबर एट पॉइंट बी तक, ये वर्क पूछा है किसी समय पर। तो किसी समय पर कंजर्वेटिव को शो करने के लिए हम कर्ल एफ को जीरो दिखाते हैं, तो कर्ल एफ को जीरो दिखाने के लिए डिटरमिनेंट बना लें, ये बना लिया हमने आई जे के, और कर्ल के लिए डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ले लें, एफ की वैल्यू तीन पार्ट्स में बांट लें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, तो एफ एक्स ये हो जाएगा यहाँ टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, एफ वाई यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा उसे यहाँ लिख लें, और एफ जेड हो जाएगा टू एक्स जेड उसको यहाँ लिख लें। इसको सॉल्व करें तो आई डेल ओवर डेल वाई इंटू टू एक्स जेड आ जाएगा ये यहाँ पे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स जेड का डेल ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट लें, और माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डिटरमिनेंट के एक्सप्रेशन को खोल दें, माइनस जे ये डेल ओवर डेल एक्स इंटू टू एक्स जेड ये आ जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें एक्स के रेस्पेक्ट किस क्वांटिटी का, यहाँ से माइनस डेल ओवर डेल जेड इसका ले लें पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस के की टर्म लें दिस वन, और यहाँ से इन दोनों को कवर कर लें, डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट माइनस डेल ओवर डेल वाई, और ये टर्म ले लें टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, फिर से सॉल्व करें, यहाँ से ये वैल्यू जीरो आ जाएगी ऑलरेडी, जब इसको लेंगे तो माइनस जे यहाँ से आएगा, ये टू जेड यहाँ से बन जाएगा, और माइनस टू जेड यहाँ से आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और के वाली टर्म में यहाँ से टू एक्स आएगा, और इधर से भी ये हमारा किसी समय पे माइनस टू एक्स आएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर जीरो बना लेंगे। तो कर्ल एफ यहाँ जीरो होगा, और किसी समय पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव शो करने के लिए सदा जब फोर्स दे तो कर्ल एफ को जीरो करके देखें, अगर कर्ल एफ जीरो आ जाता तो फोर्स कंजर्वेटिव होता, और किसी समय पर अगर कर्ल एफ जीरो नहीं आता तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद वर्क डन ए से बी पॉइंट तक निकालने के लिए एफ डॉट डी आर कर दें, तो ए से बी तक जाना है हमें, एफ को तीन पार्ट्स में बांट लें एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे प्लस एफ जेड के, एफ एक्स एफ आई एफ जेड जो होंगे वो फोर्स होंगे लोग एक्सेज बाई एक्सेज एंड जेड एक्सेज रेस्पेक्टिवली, डी आर को लिख दें डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और जैसे एफ डॉट डी आर को लेंगे तो ये वैल्यू आएगी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड,
एफ एक्स की वैल्यू लिख दें 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये भी एक्स आ जाएगा, प्लस एफ वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, प्लस एफ जेड की वैल्यू ये ले लें 2xz और डी जेड। इसको सॉल्व करें, जैसे हम इसे लिखेंगे तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी जेड स्क्वायर एक्स। और ये हमारे पास जब इंटीग्रेशन लगा हुआ है और डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स। क्योंकि अगर किसी क्वांटिटी का एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, तो वही क्वांटिटी वापस आ जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स 0, 1, 2 से और 5, 6, 8, पहले एक पॉइंट ले लें यहाँ पर पुट कर दें तो 5 × 5 × 6 आ जाएगा यहाँ पर जब हम ये पॉइंट रखेंगे, प्लस जेड स्क्वायर एक्स में 8 × 8 × 5 आ जाएगा, और जब हम इन्हें 0, 1, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 बन जाएंगे दोनों में। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके 150 आ जाएगा, 5, 5 = 25 × 6 = 150, और ये हमारा 320 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 470। इस टाइप का भी क्वेश्चन करके चलें। उसके अलावा एक प्रॉब्लम मैंने लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लैग्रांजियन से, कि एक पार्टिकल को मूव करा रहा है किसी समय पर और जो पाथ है उसका वो किसी समय पर पाथ गिवन है, पाथ जो दे रखा है किसी समय पर ट्रेजेक्ट्री वो पैराबोलिक है, और पार्टिकल ऑफ मास एंड स्लाइड अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रैक्शन एलोंग द पैराबोलिक पाथ वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो इस तरीका से पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में है, मूव कर रहा है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद इसका लैग्रांजियन पूछा, इक्वेशन मोशन पूछी है, तो ये किसी समय पर टू डायमेंशनल फिगर होगी क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो क्योंकि एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख पाएंगे टी बराबर हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट वाई होगा तो वी बराबर एम जी वाई हो जाएगा, यहाँ से वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई डॉट निकालने के लिए तो वाई डॉट आ जाएगा 2ax x डॉट, और फिर उस वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे तो ये टी बराबर आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर दिस वन प्लस वाई डॉट की जगह पे ये लिखते हैं 2ax x डॉट और इसका पूरे का स्क्वायर, और लैग्रांजियन के लिए हम टी माइनस वी कर दें तो ये लैग्रांजियन हो जाएगा, और लैग्रांजियन की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हमारी आएगी टी माइनस वी के बाद हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर 1 + 4a² x² और वी की वैल्यू ये रख दें एम जी एक्स स्क्वायर और एल बराबर टी माइनस वी की ये वैल्यू हो जाएगी। तो लैग्रांजियन ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएं तो डी ओ बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स बराबर 0 रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके यहाँ से, ये लैग्रांजियन ये है एम ब्रैकेट में 1 + 4a² x² और पूरी टर्म का ब्रैकेट एक्स डबल डॉट बराबर 2mg ax + 4ma² x² इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो लैग्रांजियन के टॉपिक को अच्छे से तैयार रखें, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अच्छे से तैयार रखें, पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से तैयार रखें। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराऊंगा। तो कंजर्वेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स से लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करके रखें। ये कंसेप्ट जो है आपके काफ़ी यूजफुल रहेंगे कंपटीशंस की दुनिया में, चाहे आप जेम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप जेस की कर रहे हों, और चाहे आप गेट नेट और बार्क टिफर की कर रहे हों, तो काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगा ये। तो इस वीडियो को देख लें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कंसल्ट करें। साथ साथ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो गाँव के उन लाखों करोड़ों बच्चों के लिए समर्पित है मेरी तरफ से, जो बच्चे गाँव में गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, तो वहाँ तक उन्हें पहुँचाने का प्रयास करें। जो शहरों कस्बों और गाँव में बच्चे रहते हैं और बगैर गाइडेंस के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, वहाँ तक इन्हें पहुँचाने का प्रयास करें और इस मिशन में मेरे में सहयोग करें। तो सबसे सहयोग की आशा में, थैंक यू सो मच।